थोड़ा विचार करने से लगता है कि सर लगातार बढ़ रहे महंगाई के पीछे यह एक मूल कारण है। अब लगातार अगर खनिजों के स्रोत महंगे होते जाएंगे तो उसका असर तो महंगाई के ऊपर भी होगा, और अभी जो महंगाई बढ़ रही है मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक ये मूल कारण है। कोयला तेल आदि स्वतंत्र ऊर्जा के लिए हमारी निर्भरता और इसका महंगा होते जाना इसके मूल में है। कोयला है एथनॉल के माध्यम से जैविक पदार्थों का ईंधन गैस और तेल में परिवर्तित किया जाना संकेत है उस दिशा का जिसमें ऊर्जा के स्रोतों के सिकुड़न से महंगाई और अंत अभाव बढ़ता जा रहा है। प्रायः तेल के महंगा होने के पीछे ओपेक जैसे तेल उत्पादक देशों के वायर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो संगठन है यही कहा जाता था कि उनकी वजह से दबाव से ये तेल की कीमत बढ़ रही है। तेल उत्पादक देशों के संगठन को दोषी ठहराया जाता रहा है, जबकि हकीकत है कि ओपेक के देश कहीं ना कहीं तेल की उपलब्धता के सिकुड़न को ही प्रतिबिंबित करते हैं। कुल मिलाकर हालत यह है कि 1960 के दशक तक के $1 प्रति बैरल से बढ़कर आज कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के आसपास बढ़ रहा है। ये 100 गुना फर्क ये 1960 से लेकर के आज तक हो गया है। तो अगर ये तेल की कीमत बढ़ती है तो जहाँ भी आप किसी भी जो धंधा में उसको लगाते हैं तो वो एक आपसे आप ऑटोनमस ढंग से उसका प्रभाव चीज़ों की कीमत पर पड़ेगा। आगे जैसे जैसे ऊर्जा के स्रोत विरल होते जाएंगे इनकी महंगाई भी बढ़ेगी। अर्थ जगत का वह रुझान जिसे अर्थशास्त्री स्टैगफ्लेशन कहते हैं यानी मंदी और महंगाई का साथ साथ होना इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। अर्थशास्त्री लोग जब स्टैगनेशन में मंदी भी है और महंगाई भी है तो इसको स्टैगफ्लेशन को कोई उसका कारण नहीं बता पाते, लेकिन ये कारण नहीं है। अगर स्टैगनेशन अगर मंदी है बेरोजगारी है क्रय शक्ति कम होगी तो चीज़ों की कीमतें गिरनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आज दुनिया के ज़्यादा देशों में मंदी चल रही है फिर भी कीमतें आसमान छू रही है। तो इसको हम लोग यही रिलेट कर सकते हैं कि जो ये ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला तेल वगैरह वो अब विरल होते जाते हैं महंगे होते जा रहे हैं, तो उनका प्रयोग किसी भी उत्पादन पद्धति में आएगा तो इंडिपेंडेंटली बाजार की क्या स्थिति उसके से इंडिपेंडेंट वो कीमतों का में बाढ़ आएगी। और आज जो कीमतें बढ़ रही मुझे लगता है कि उसका मूल कारण वही और अर्थशास्त्र उसका कोई उपाय नहीं बतला पा रहे हैं। लेकिन इस स्टैगफ्लेशन में मंदी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है। दरअसल यह स्थिति लगातार गहराते ऊर्जा संकट का संकेत है। लोगों की क्रय शक्ति चाहे कितना ही कम हो अगर वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाली ऊर्जा की कीमत लगातार बढ़ेगी तो इस उत्पादों की कीमत भी कुछ न कुछ बढ़ेगी। विशेषकर अगर खेती तेल से चलने वाले यंत्रों पर निर्भर है तो कृषि उत्पाद भी महंगे होंगे। एक समय मूलतः मानव श्रम पर निर्भर भारतीय उद्योग पश्चिमी देशों से आयातित कारखाने में उत्पादित औद्योगिक वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में मार खा गए शुरू के दिनों में, इसलिए कि उस समय कोयला वगैरह बहुत सस्ता था उसी के आधार पर औद्योगिक क्रांति हुई। उस समय तो वहाँ से जो सामान आया वो इतना सस्ता था कि मानव श्रम पर आधारित हमारे उद्योग धंधा मार खा गए, लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही हैं चल रहा है। संभवतः 22वीं सदी आते आते कोयला तेल आदि इतने महंगे हो जाएंगे कि अक्षय ऊर्जा स्रोत सूर्य पर निर्भर फूड चेन जिसमें प्रकाश संश्लेषण से वनस्पतियों और शैवाल से शुरू हो संसार के सभी जीव जंतु जीवन का आधार पाते हैं और इससे प्राप्त ऊर्जा के आधार पर चलने वाले उद्योग धंधे स्पर्धा में कोयला तेल आदि पर निर्भर उद्योगों से आगे निकल जाएंगे। ज्ञातव्य है कि विशेष तरह के हस्त कौशल से निर्मित वस्तुएँ आज भी कारखानों में बनी वस्तुओं से बेहतर होती हैं और प्रतिस्पर्धा में टिकी हुई हैं। हमारी पारंपरिक कृषि भी जो मूलतः बैलों मानव श्रम और जैविक खादों पर निर्भर है खाद्यान्न उत्पादन सस्ते दर पर करती हैं और पश्चिमी देशों के मशीनीकृत कृषि के खाद्यान्नों के मुकाबले खड़ी हैं, जबकि पश्चिमी देशों की कृषि को भारी अनुदान पर टिकाए रखना होता है। अभी कई वर्ष से जिसको वो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश किया है दुनिया के ट्रेड को संतुलित करने का, तो उसका कोई समझौता आज तक कई वर्ष से नहीं हो पा रहा है। उसका एक प्रमुख कारण है कि जो कृषि अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी ओर से ये मांग हो रही है कि आप जो किसी के ऊपर सब्सिडी देते हैं
200-300 अरब डॉलर सालाना वो अनुदान देते हैं, इसी को उनकी किसी यूनिवर्सिटी की भी आप उसको बंद कीजिए, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है। अगर वो अनुदान बंद कर दें तो उनकी किसी व्यवस्था बंद हो जाएगी, इसलिए कि वो इतना ज़्यादा इस तेल वगैरह मशीन पर निर्भर है कि अब ये सब जब महंगे हो रहे हैं तो उनका किसी उत्पाद और महंगा होता चला जा रहा है, तो इसको वो बर्दाश्त नहीं करते, सारी खेती बंद हो जाएगी, इसलिए कोई समझौता हो नहीं पा रहा है। आने वाले समय में जब धरती का गहरा खजाना शेष हो जाएगा, प्राकृतिक आधार पर स्थित कृषि और घरेलू उद्योगों की छोटी स्वायत्त ग्रामीण इकाइयाँ ही चल सकेंगी, जैसे भारत में और संभवतः दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में औद्योगिक क्रांति के पहले थी। यूरोप में भी इसके बावजूद कि वहाँ फ्यूडल सिस्टम विकसित हो गया था, फ्यूडल व्यवस्था के समानांतर ही रूस के ग्रामीण लोगों की मिल जैसी संस्थाएं अस्तित्व में थी जो पारस्परिकता पर आधारित थी। महात्मा गांधी की कल्पना का भारत वैसे ही स्वशासित ग्रामीण इकाइयों का था, यह एक व्यावहारिक कल्पना थी जो उभरते ऊर्जा संकट के संदर्भ में प्रासंगिक मिलती जाएगी। शताब्दी दो शताब्दी बाद आज की ये विशाल नागरिक व्यवस्थाएँ ऊर्जा और पर्यावरण के संकट से ध्वस्त हो जाएंगी और आज की विशाल आवासीय और आवागमन की व्यवस्थाएँ ऊर्जा संकट समृद्ध हो जाएंगी। ये चीन की दीवार और पिरामिड की तरह खंडहर बन नुमाइश की चीज़ें बन जाएंगी। महात्मा गांधी राजकीय व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज किए बगैर उनसे संघर्ष के साथ 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 कुछ वैसे प्रतिमान भी रचनात्मक कामों में स्थापित करना चाहते थे जो नए समाज के निर्माण को दिशा दे। उनका समाज का अपना सपना अराजकवादियों से जुटा जुटा था, लेकिन वे अधिक व्यवहारिक थे और जहाँ संभव हुआ नए समाज के मॉडल के रूप में छोटे स्तर पर निर्माण भी करते चले। ऑल इंडिया रेल इंडस्ट्री एसोसिएशन जो कभी बिल्कुल अप्रासंगिक लगता था, आज के पर्यावरण संकट के संदर्भ में नई प्रासंगिकता ग्रहण करने लगा है। यह बात अलग है कि ऐसी संस्थाओं पर भी मौजूदा प्रबंधन के मानक हावी होने लगे हैं, लेकिन यह सब तात्कालिक भटकाव है। इस संदर्भ में एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि 1948 में आर्डर सक्सले ने बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक थे कि बहुत ब्रेव न्यू वर्ल्ड बहुत ही चर्चित पुस्तक थी, उन्होंने 1948 में एक पुस्तक लिखी थी एप एंड एसेंस। उसमें ऐसे समाज की कल्पना की थी कि न्यूक्लियर युद्ध हो गया है, संसार नष्ट हो गया है, दुनिया के जारी पर्यावरण इतना रेडियो धर्मी हो गया है कि लोग कहीं निकल नहीं सकते हैं, लेकिन एक कोई द्वीप है जो इस प्रभाव से बचा हुआ है। लेकिन 200 साल तक तो ये रेडिएशन की वजह से कहीं बाहर निकलना संभव नहीं था, तो 200 साल के बाद एक जहाज़ लेकर के वो दुनिया का भ्रमण करने के लिए वहाँ के कुछ लोग निकलते हैं कि देखा जाए दुनिया क्या है, तो जाते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आज हॉलीवुड है और वहाँ देखते हैं कि सब कुछ तो ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं है। वहाँ जो थोड़े से लोग बच गए हैं और वो ज़मीन के अंदर से जो कभी के छोड़े हुए खाने खाद्य पदार्थ थे उनको खोद खोद करके और उसके आधार पर वो जीवन चला रहे हैं, यही सिनेरियो। और फिर वो देते हैं कि कैसे वहाँ के लोग अब शैतान पूजक हो गए हैं, वो कहते हैं कि जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ पहले तो शैतान और ईश्वर में हमेशा लड़ाई रहती थी, लेकिन हमेशा ईश्वर का पलड़ा भारी रहता था, लेकिन जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ तो धीरे धीरे शैतान का पलड़ा भारी होता गया और जिसको कहते हैं कि जो न्यूक्लियर युद्ध हुआ वो कहते हैं कि थिंक वो जो चीज़ हुई उसके बाद से एकाएक शैतान शक्तिशाली हो गया। कहा कि जब वही शक्तिशाली है दुनिया में तो हमको उसी की पूजा करनी चाहिए और फिर उसका वो जो बड़ा भंत था उसके साथ की वो पकड़ के ले आते हैं और बतलाते हैं कि कैसे ये है, फिर वो विकलांग पैदा होते हैं रेडिएशन से, उनकी हत्या की जाती है, सारी चीज़ें। तो ये पूरा जो सिनेरियो अभी ये हो रहा है ये ठीक है कि शायद न्यूक्लियर वार से उस तरह का संकट नहीं आएगा, लेकिन जो पर्यावरण का संकट है इसी से या जो प्राकृतिक खनिजों का संकट है इसी से ज़्यादा ये सभ्यता 100 साल और चल सकती है। तो हमको मानसिक रूप से दुनिया को उसके लिए तैयार करना है कि जब वो संकट हो, जब ये सभ्यता ख़त्म हो तो उसके भीतर से कुछ निकल सके। और इसमें महात्मा गांधी को छोड़कर के मुझे नहीं पता कि किसी दूसरे आदमी ने किसी विकल्प की बात सोची है और किया है।
तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी के पास संगीतता है और उनकी सोच ये जो विप्लवकारी राज्यवादी उससे ज़्यादा करीब है। मनुष्य की जितने व्यवस्थावादी लोग हैं वो उनसे इन्हीं साथ बातों के साथ और अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री अनुपम मिश्र जी से निवेदन करूंगा। आप सबको नमस्कार। वो अध्यक्ष की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि ऋषि जैसे आदरणीय सचिता बाबू के इस उद्बोधन के बाद आप मेरे भाषण को अध्यक्षीय भाषण ना माने, कृपया इसको सिर्फ कृतज्ञता ज्ञापन का एक छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए। कम से कम अराजकवाद हिंदी में अनुवाद होकर आया ऐसा शब्द है जिसमें उसके आगे अ लगने से वो नकारात्मक लगता है, लेकिन दुनिया के सभी सकारात्मक सोचने वाले लोगों ने, सकारात्मक काम करने वाले लोगों ने, विचारों ने इस आदर्श को अपना आदर्श माना है, इसलिए ये एक सकारात्मक समाज दर्शन का आधार बना। दूसरी तरफ इससे उल्टा शब्द जो होगा, पता नहीं राजकवाद कहलाएगा या क्या कहलाएगा, उसमें तो नकारात्मकता भरी पड़ी है। उसके जितने रूप आप देख लें, सबसे विचित्र तानाशाह के, सबसे लोकप्रिय राजा के, सबसे त्यागी तपस्वी लोक में से उठे किसी नायक के, जब राज उसके पास आता है तो हमारे पड़ोस में बांग्लादेश से लेकर आप पूरा चक्कर पूरी दुनिया का लगा लीजिए, सिवा अव्यवस्था के कुछ हाथ लगता नहीं है। इसलिए सचिता बाबू ने अपने भाषण की पहली लाइन में गांधी जी को इस बात से जोड़ा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि थोड़ा अटपटा लगता है, मैं तो उनसे निवेदन करूँगा बिल्कुल अटपटा नहीं लगना चाहिए, ये सबसे सुंदर उनका वर्णन हो सकता है। तो ये जो हमने राज करने की पद्धतियाँ देखी और फिर उनको पिछले दौर में जल्दी जल्दी लुढ़कते देखा है, ढहते देखा है, हमारे सामने व्यवहारिक रूप में एक बड़ी इमारत के गिरने का दृश्य दर्ज हुआ है पिछले 10 साल में। 9 सितंबर वाला आप सबने टेलीविज़न पर देखा होगा जब उसको ट्विन टावर को गिराया गया है, तो उसमें धूल का कितना बड़ा गुब्बारा निकला और वो दुनिया को रूल करने वाले देश की सबसे बड़ी बड़ी सड़कों पर कैसा एक गेंद की तरह लुढ़कता हुआ अपने साथ सब कुछ लेके गया। तो पिछला इतना बड़ा इतिहास इतने बड़े बड़े राज्यों के ढहने का है, उससे जो धूल का गुब्बार निकला होगा उसकी हम लोग कल्पना ये 9/11 वाले एक छोटे से बिल्डिंग के गिरने से करके देखें तो समझ में आएगा कि वो धूल तो हमको कभी गिरती दिखी नहीं, वो राज ढहते दिखे नहीं, लेकिन पीढ़ियों के मन में उसकी धूल जमी हुई है। इसलिए वो जो धूल जम गई है उसमें बीच बीच में ऐसे लोग उठते हैं जो अराजकवाद में अपनी ताकत पाते हैं और उसको फिर से लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो गवर्नेंस शब्द हम सुनते आते थे पिछले शायद 2 या 4 साल से उसके आगे गुड लगने लगा है विशेषण, ये पहले तो कभी नहीं लगता था। गवर्नेंस का मतलब ही अच्छी व्यवस्था होना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि अच्छी नहीं बची तो अब मैं उसके आगे विशेषण लगा कि मेरा राज अच्छा होगा, आप मुझको वोट देके देखिए। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक इनकी भूमिका बिल्कुल उल्टी और पुल्टी हो गई है इन शब्दों में, और ये समानांतर चल रही है। हर एक के मन में ऐसी परिस्थिति आते ही ये होता है कि हमको उन लोगों के पास जाना चाहिए जिन लोगों के नाम आज आदरणीय सच्चिदानंद जी ने बहुत सारे अराजकवादियों के नाम दिए हैं, ये नाम भी हम लोग कई दिनों बाद आज उनके उद्बोधन में सुन पाए हैं। मुझे लगता है कि उनका एक वाक्य आपको ज़रूर बताना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में कहीं एक जगह कहा, सभ्यता उसके कारण और उसकी दवा, याद कीजिए,
ये वाक्य कुछ ऐसा है, मलेरिया उसके कारण और उसकी दवा, यानी सभ्यता एक रोग बन गया है, ये वो हम लोगों को समझाना चाहते हैं। इस रोग के भीतर के कई उपरोग और भी हैं और वो इतने अधिक हैं कि सबसे महंगी नौकरियां करने वाले लोग, 5 लाख 10 लाख रुपए शायद महीना नहीं तो हफ्ता भी कमाने वाले लोग अपने 7 दिनों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा 5 दिन का है, वो मालिक के लिए रद्दी काम करने का है, बच्चे 2 दिन वीकेंड कहलाते हैं, वो मेरे अपने हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक रद्दी काम करने जाना है, भले ही उसमें हमको चाहे जितना पैसा मिलता है आनंद नहीं मिलने वाला उसमें से, शनिवार इतवार हमारे अपने हैं, इसलिए वीकेंड की तलाश पूरी दुनिया को है। जिसने इस सभ्यता के रोग को पाल दिया है उसके पास ये 2 दिन बहुत भयान मजा मस्ती के होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, शनिवार बीत गया अच्छे से, इतवार बीत गया, इतवार की शाम को 5 बजे के बाद उसको याद आने लगता है कि सोमवार आ रहा है, सोमवार आ रहा है, सोमवार आ रहा है, कल सवेरे फिर उसी रद्दी दफ्तर में जाना है। इसलिए किसी ने, ये जो आजकल कंप्यूटर भी चले उसके बारे में भी मैं 1 मिनट बोलूँगा, अमेरिका में शायद 1 लाख हार्ट अटैक्स का अध्ययन किया कंप्यूटर में डाल के, और उनका समय भी डाला, रोगी का नाम और स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब तो अपने आप सब फार्मों में देखते ही हैं, लेकिन कितने बजे अटैक आया। उनका कहना है 85% हार्ट अटैक, दिल के दौरे सवेरे सोमवार 9:15 पर आते हैं। इस बीमारी का नाम रखा उन्होंने मंडे मॉर्निंग सिंड्रोम, सोमवार सुबह की बीमारी। तो इस बीमारी की तरफ इन्होंने इशारा किया है, बहुत सारी बातें बताई हैं, धरती का कड़ा खजाना, कितना सुंदर शब्द है, ये हम खोद खोद के फेंक दे रहे हैं। अगर ये इतना ज़रूरी है खजाना जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चले, तो हमें अपनी आगे वाली पीढ़ियों को, बच्चों को भी तो कुछ प्यार करना है। एक आध ऑयल फील्ड उनके नाम पर हम रिजर्व करके छोड़ दें कि ये 2050 के बाद खोल देना बेटा जब हम लोग चले जाएंगे, ऐसा हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, अपनी लालच पूरी करना चाहते हैं। तो ये जो समानांतर व्यवस्था बराबर अराजक मन की चलती है, वो शायद इस व्यवस्था को टिकाए हुए, अगर वो न चलती जिसकी तरफ बार बार सचिता बाबू हम लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, तो ये दुनिया तो कब की ढह चुकी होती। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कंप्यूटर की दुनिया का, और वो मुझे कल ही पता चला अपने मित्र सोबात से, वो यहाँ ज़रूर बैठे होंगे। आप में से जो नई पीढ़ी के हैं वो तो हम लोगों से बेहतर कंप्यूटर जानते हैं। कंप्यूटर में भी एक ऐसी खिड़की है जिसको हम विंडो कहते हैं, जिस पर भयंकर कॉपीराइट है, उसको ख़रीदना पड़ता है, नहीं तो उसको कहीं से थोड़ा सा चुराना पड़ता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस खिड़की को बनाने वाले ने जो उस पर ताला लगाया है वो सारा चोरी का माल है। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन खुद विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, उसका काउंटर पार्ट एप्पल, ये सब चोरी में से पैदा किया खजाना है। और यहाँ फिर से सचिता बाबू को कोई ना कोई बिना जाने याद करता होगा, उसने इन 2 प्रमुख दानवों के मुकाबले बीच में से एक छोटी सी गेंद दौड़ाकर गोल किया है, और उस गोल का नाम है उबंटू लिनक्स। खुला खेल है, कोई पैसा नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं, किसी तरह का कोई धन फन नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। तो ये आधुनिकतम व्यवस्था में भी कोई ना कोई एक न एक अराजकवादी पैदा होता है, और वो गोल करके दिखाता है, उसी में से हमको थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिलता है। इसलिए मैं एक बार फिर आदरणीय सचिता बाबू का आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। सचिता बाबू के भाषण की जो कॉपी है वो